नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आज की लघु कथा है डस्टबिन, अनीता ललित जी की लिखी हुई, लखनऊ से। आइए शुरू करते हैं। 6-7 वर्षीय पिंकी अपने गुड्डे गुड़ियों को लेकर कमरे में अपने सुंदर से डॉल हाउस के पास बैठकर मगन होकर खेल रही थी। छोटे छोटे बर्तन, मेज, कुर्सी और भी कई सारी चीजें उसके आसपास बिखरी हुई थी। कुल मिलाकर मानो छोटी सी गृहस्थी जमी हुई थी। नन्ही पिंकी वहीं बैठे बैठे अपनी माँ की चुन्नी लपेटे गुड्डे गुड़िया से वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बातें की जा रही थी। इतने में सुमन वहां से गुजरी। सुमन पिंकी की माँ। पिंकी को इतने प्यारे ढंग से खेलते बतियाते देख कर वो वहीं ठिटक गई और छुप कर उसे खेलते हुए देखने लगी। अपने जैसे बातें करते देख सुमन को अपनी बिटिया पर बहुत लाड आ रहा था। पिंकी छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाने का खेल खेल रही थी और बातचीत किए जा रही थी। रवि आइए आइए, आपका पराठा बन गया, ये लीजिए। सुमन की हंसी ही फूट पड़ी। रवि उसके पति यानी पिंकी के पापा का नाम था। अरे ये तो ठंडा हो गया सुमन, इतना ठंडा नहीं खा सकता मैं। कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसे, मैं खा लूंगी और आपके लिए ला रही हूं ये गर्मा गर्म, ये लीजिए। कहते हुए पिंकी ने अपने गुड्डे के सामने से एक प्लेट हटाकर दूसरी प्लेट रख दी। फिर पलट कर अपनी गुड़िया से बोली, चलो बेटा आ जाओ जल्दी से, नाश्ता रेडी है, ये लो पहले ये फ्रूट खाओ। क्या मन नहीं है? नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो आप बड़े कैसे होगे, हेल्दी कैसे होगे। चलो 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 जल्दी से खा लो, गुड गर्ल। फिर कांटे से झूठ मूठ के फल गुड़िया को खिलाने लगी। फिर उसने छोटी सी कटोरी से उसे कुछ खिलाया, उसके बाद प्लेट से, फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओफो मैं तो थक गई। अरे ये क्या बेटा, आपने इतना सब छोड़ दिया, फिनिश ही नहीं किया। वेरी बैड, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है ना। अच्छा लाओ मैं ही खा लेती हूँ। कहते हुए पिंकी ने अपनी सभी प्लेटों कटोरियों से कुछ समेटने का भी नहीं किया और झूठ मूठ की समेटी हुई सामग्री अपने मुंह में डाल ली। और ये सब देखते हुए सुमन के चेहरे पर हंसी की जगह अब सोच की लकीरें उभर आई थी। दोस्तों आप सुन रहे थे अनीता ललित जी की लिखी लघु कथा डस्टबिन। कई बार जब ये लघु कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा होता हूं तो इनके भीतर जो इतना सशक्त विचार होता है वो मुझे भी ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देता है। क्या क्या बना करके रखा हुआ है हमने घर की उस थोरी को, और जिससे जीवन का सौंदर्य है उसे मैं मानता हूं, शायद उसे तकलीफ ना भी होती हो, शायद वो अपने इस त्याग को कभी संकल्प में भी न लाती हो और इसी त्याग को अपना भाग्य समझती हो। ताजे हुए खाने को खा करके ही वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हो। पर हाँ, अगर खाना छोड़ना, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है तो ये बात सब पर लागू होनी चाहिए। और अगर गर्म खाना खाना आपको पसंद है तो हर जीव को पसंद है, चाहे भले ही उसका पार्ट आपकी सेवा का क्यों ना हो। वो घर की मालकिन भी हो सकती है जो सेवाधारी बनकर के बिना कोई मेहनताना लिए सेवा कर लेती है, और वो घर का सेवक भी हो सकता है। हो सकता है इस जन्म में उसका पार्ट सेवक का हो, लेकिन आज सेवा ले रहे हैं तो कल सेवा देनी भी पड़ेगी, बस इतनी सी बात ध्यान रखने की है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अनीता ललित जी के लिए जो भी आप कमेंट करना चाहें आप जरूर कीजिए, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।